कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तो फर्जी फोटो को ट्वीट किया और दूसरा उन्होंने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनका झूठ फौरन पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद विपक्षी दलों में खलबली मची है। इन्हें इतनी जलन हो रही है कि अब इन्होंने फेक न्यूज का सहारा ले लिया है। फर्जी खबर फैलाने में शशि थरूर सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने हाउडी मोदी पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मोदी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से कर डाली। पहले इस तस्वीर को देखिए, इसे शशि थरूर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये तस्वीर अमेरिका की है, जब 1954 में नेहरू और इंदिरा गांधी अमेरिका गए थे। शशि थरूर ने ये भी दावा किया कि बिना किसी पीआर कैंपेन, बिना क्राउड मैनेजमेंट के, बिना मीडिया प्रचार के, अमेरिकी जनता अपने आप बड़ी संख्या में इन दोनों लोगों को देखने आई थी। इस तस्वीर के सामने आते ही कांग्रेस समर्थकों और मोदी विरोधियों ने दनादन ट्वीट करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस ट्वीट की पोल खोल दी। दरअसल शशि थरूर ने एक सफेद झूठ बोला, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की। जांच से पता चला कि ये तस्वीर अमेरिका की नहीं बल्कि सोवियत रूस की है। ये तस्वीर न्यूयॉर्क की नहीं बल्कि मॉस्को की है। इसके अलावा शशि थरूर जिस तस्वीर को 1954 की बता रहे हैं, वो दरअसल 1956 की है। हैरान करने वाली बात ये है कि शशि थरूर इतिहास और राजनीति पर किताब लिखते हैं, लेकिन गांधी परिवार की भक्ति में ये इतने लीन हो गए, इन्होंने ये चेक भी नहीं किया कि नेहरू 1954 में न्यूयॉर्क गए ही नहीं थे, नेहरू 1956 में न्यूयॉर्क गए थे। इसके अलावा शशि थरूर से एक और चूक हो गई, उन्होंने अपने ट्वीट में इंदिरा की जगह इंडिया लिखा है। जब उनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया, जब वो रंगे हाथ पकड़े गए, तो उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली और दोबारा ट्वीट किया कि उन्हें ये तस्वीर किसी ने फॉरवर्ड की थी और उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए उसे ट्वीट कर दिया। शशि थरूर ने भले ही अपनी गलती के लिए अफसोस जता लिया, लेकिन हकीकत यह है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम की सफलता से विपक्षी नेताओं का दिमाग हिल गया है। वो इतने व्याकुल हो चुके हैं कि उनकी सही और गलत में फर्क करने की कला खत्म हो गई है। कोई दूसरा नेता होता तो गलती को माफ भी किया जा सकता था, लेकिन शशि थरूर साहब तो इंटेलेक्चुअल हैं, पूरी दुनिया को अंग्रेजी और इतिहास का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए उनसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि शशि थरूर देश के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये फर्जीवाड़ा गांधी परिवार को खुश करने के लिए किया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।